अस्सलाम वालेकुम। आज की इस डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फेसबुक पेज अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपकी एक बड़ी कंपनी है और आप छोटे छोटे काम जो हैं मुख्तलिफ लोगों को अलोकेट करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो लोगों को आप देते हैं और उनकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या क्या फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं। आज की हमारी डिस्कशन होगी पीपल रोल्स के मुतल्लिक। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर एडमिन आता है। एडमिन बॉस है, यानी हर चीज के राइट्स पेज के मुतल्लिक उसके पास हैं। वो कुछ भी कर सकता है, लोगों को बैन कर सकता है, कमेंट्स को रिस्पॉन्स कर सकता है, वट एवर एक्टिविटी ऑन द पेज वो सब कुछ कर सकता है। नंबर टू पे एडिटर आता है। अब एडिटर क्या करेगा, ये कॉन्टेंट्स तैयार करेगा, पोस्ट के रिलेटेड टेक्स्ट वगैरह तैयार करेगा, पिक्चर्स के रिलेटेड जो है वो डाटा इकट्ठा करेगा और इसी तरह डेली की जो एक्टिविटीज है उनको मैनेज करेगा, जैसे लाइक्स कमेंट्स वगैरह वो एडिटर करेगा। अब तीसरे नंबर पर मॉडरेटर आ जाता है। मॉडरेटर क्या करेगा कि ये कमेंट्स के जवाब देगा, लेकिन ये कंटेंट्स तैयार नहीं करेगा। उसके बाद लोगों को पेज से रिमूव भी कर सकता है, बैन भी कर सकता है, एड भी बनाएगा ये और इनसाइट को भी व्यू कर सकता है मॉडरेटर जो है, ये उसकी अथॉरिटीज है। अब इसी तरह नंबर चार पे एडवर्टाइजर आ जाता है। एडवर्टाइजर जो है वो एड बनाएगा और पेज की इनसाइट या स्टैटिस्टिक्स को भी ये व्यू कर सकता है अपनी एड के मुताबिक। उसके बाद एनालिस्ट होता है। एनालिस्ट के पास सबसे कम अथॉरिटी होती है और ये पेज की इनसाइट्स को देखते हैं और प्लानिंग करते हैं और हुकमत अमलिया बनाते हैं कि आगे किस कौन सी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी हमें अपनानी है या क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज रखे जिससे बिजनेस जो है वो हमारा अपलिफ्ट हो। अब इसी तरह यहाँ पे हमने रूल्स दिखाए हुए हैं सारे के क्या क्या जो है किया जा सकता है और यहाँ पे एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट और इनको क्या क्या अथॉरिटीज जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एनालिस्ट है, ये यहाँ पे देखें व्यू इनसाइट्स कर सकता है, पेज व्यू क्वालिटी टैप कर सकता है, सी हु पब्लिश एज द पेज वो देख सकता है। इसी तरह जो एडमिन है वो सब कुछ देख सकता है और जॉब मैनेजर भी होता है जो कि क्रिएट एड, प्रमोशंस और बूस्ट टिड पोस्ट करता है और इस तरह व्यू इनसाइट करता है और बाकी सारी यहाँ से चीजें आप आसानी के साथ गेस कर सकते हैं।